हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो महाफिगर 3.2 होता है, इसमें हम लोग रीजनिंग का जो सेट है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आज हम क्या सॉल्व करेंगे, रीजनिंग का आपका सेट 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग 6 क्लास मैथ का कर चुके हैं और वो सब यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। आप लोग जाकर वहाँ से क्लास उसको देख सकते हैं कि आपको मैथ में जो भी 6 सेट कराया गया है, हर एक सेट को अच्छे से कराया गया है, सब सोल्यूशन के साथ अच्छे से इसको समझाते हुए कराया गया। अगर आप कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये महाफिडीएफ 3.0 परचेज करना हो तो आप लोग 9795111812 पर संपर्क करके आप लोग कॉन्टैक्ट कर सक करके आप लोग ये पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या क्या होगा, मैथ होगा, महाफिडीएफ में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ये आपका जीके जीएस, ये आपका चारों सब्जेक्ट इस महापीडीएफ में होगा। चारों का टेस्ट सीरीज आपका 10-10 सेट आपका है इसमें। ठीक है, तो ये आपका टोटल 100 रुपये पड़ेगा, 100 रुपये पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग जाकर परचेज करके यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप चलिए अब हम लोग प्रयास से पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए दिया हुआ, इफ दिल्ली इज कोडेड एज 73541 एंड कलकत्ता एज 825862, हाउ कैन कैलिकट बी कोडेड। ठीक, देखिए जो दिल्ली थी कोड किया गया है ये 73541 से कोड किया गया, कलकत्ता को देखिए 825862 को, ठीक है, रूप में कोडेड किया जाता है। तो कालीकत को कैसे कोडित किया जाएगा, सबसे पहले देखिए इसमें 5 लेटर है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक है इस वाली इसमें, इसमें थोड़ा सा डबल जहाँ डबल टी है यहाँ पे एक और 6 यहाँ पर रखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक और 6 रहेगा, यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है। यहाँ पे देखिए नंबर जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 825892, ऐसे इसका नंबर होना चाहिए। तो काली कैट को कैसे कोडिट किया जाएगा, देखिए दिल्ली जो है यहाँ देखेंगे, देखिए अगर आप देखिए अगर आप इसको बनाएंगे तो देखिए कुछ बन नहीं रहा। ठीक है, कुछ बन नहीं रहा, S3 I7 कुछ नहीं बन रहा, इसमें भी कुछ नहीं बनाना। देखिए सबसे पहले क्या चेक किया जाता है, डी मान लीजिए डी का मान 4 होता है, डी चौथे स्थान पर आता है, फिर इसको चेक किया जाता है, फिर अपोजिट को चेक किया जाता है, फिर क्रॉस करके ऐसे करके भी चेक किया जाता है, कोई भी चीज नहीं बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे सी का मान, देखिए क्या दिया हुआ इसमें, सी की जगह हमारा 8 दिया है। और आपको देखिए अगर आपको ऐसे पकड़ना हो ना, पहले सेम लेटर ढूंढो, सेम लेटर क्या है सी, सेम नंबर आया, ट्वेल्टी क्या है 66 है। तो पहले सबसे पहले इसी से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। देखिए सी का मान यहाँ पर देखेंगे, सी की जगह 8 लिखा हुआ है, सी 8 हो गया, ए की जगह 2 और एल की जगह 5 और आई की जगह 1 और सी की जगह फिर 8, यू की जगह 9 और टी की जगह 6, 825189 6 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोला है क्यू पी का बेटा है, एक्स क्यू की बेटी है, आर एक्स की मौसी या बुआ है और एल आर का बेटा है, तो पी का एल कौन है। हाँ, देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है एक प्रकार से। ठीक है, पी का बेटा कौन है, बेटा कौन, क्यू, क्यू की बेटी कौन है, एक्स, क्यू की बेटी कौन है, एक्स की मौसी कौन है, यानी बुआ कौन है, बुआ लिख सकते हो, आर का बेटा कौन है, आर का बेटा कौन है, समझ में आया। अब देखो पी का जो बेटा कौन है, क्यू है, क्यू की जो बेटी है कौन है, एक्स है, यानी पी क्या है, क्यू क्या है, पी का लड़का है। ठीक है, ये लड़का हुआ पी, इसको मान लो परमित मान लो, जाने दो कन्फ्यूज हो जाओगे, पी क्या हो गया, दादा हो गया। कैसे, देखो पी का बेटा कौन सा है, क्यू, अब क्यू की बेटी कौन है, यक्ष, यक्ष का इससे क्या रिलेशन हो गया, दादा का यानी बाबा का रिलेशन हो गया। अब यक्ष की मौसी कौन है, आर है, यानी क्यू क्या है, आर का भाई है, आर का भाई है। अब क्यू यक्ष की बुआ कौन है, आर है, तो क्यू की बहन ही होगी। ठीक है, ठीक है, ये क्या होगी, क्यू की बहन होगी, यहाँ लिख सकते हो या भाई ना लिख के आप यहाँ पे लिख लो, क्यू की बहन कौन है, आर है, क्यू की बहन क्या है, आर है। और आर का बेटा जो है यल है, यल क्या लगेगा, क्यू का, क्यू क्या, क्यू क्या है, मामा है, यल का मामा कौन है, यहाँ लिख देते हैं क्यू का भांजा, क्यू का भांजा। पूछा पी और यल से क्या संबंधित है, यानी क्या लगेगा, यल क्या लगेगा,
यल का क्या लगेगा, नाती लगेगा, यल क्या है, टी का नाती, यल का नाना कौन होगा, यल का नाना, यल का नाना कौन होगा, पी होगा, पी यहाँ पे क्या लगेगा, पोता लगेगा, तो ग्रैंड सन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, पी का बेटा क्या है, क्यू है, क्यू की बेटी कौन है, यक्स है, तो पी की नातिन हो गई यक्स, और नातिन की हुआ यानी उसकी लड़की यानी पी की लड़की हो गई यक्ष। ठीक है, पी की लड़की हो गई यक्ष, ठीक है, क्योंकि बहन हो गई, सॉरी यक्ष नहीं, आर, क्योंकि बहन कौन हो गई, आर हो गई, और पी की भी लड़की आर हो गई, तो क्यू और आर क्या हो गए, भाई बहन हो गए, भाई बहन हो गए। ठीक है, और इनका दोनों दोनों का पिताजी है वो कौन हो गया, पी हो गया, पी क्या हो गया, पिता हो गया। ठीक है, अब देखो आर का लड़का क्या होगा, यल, और यक्ष का लड़का, क्यू का लड़का यक्ष, क्योंकि बेटी है यक्ष और आर का लड़का है यल, ये तो मान लीजिए भाई बहन हो गए, ये बहन का लड़का है तो पी का क्या होगा, नाती ही होगा, ये भी नाती होगा, ये भी नाती होगा, तो क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें देखेंगे तो देखिए पूछा है कि गलत संख्या ज्ञात कीजिए, 216, 163, 120, 72, 24, अगर देखिए अगर यहाँ से घटाते हैं तो क्या बचेगा, 48, इसमें से हटाएंगे तो 48, इसमें से हटाएंगे तो 43, इसमें से हटाएंगे तो, अगर हम इसकी जगह 168 रख देते हैं और हम यहीं पे मान लीजिए 48 इसमें से घटाते हैं, और फिर इसमें से 48 घटाओ, इसमें से अगर 48 घटाओ तो कितना बचेगा, 168, 168 में से 48 घटाओगे तो 120, सीरीज फॉलो हो जा रहा है, इसमें से अगर डायरेक्टली नहीं, अब इसमें से ये नहीं घटाना, पहले लास्ट वाले में से सेकंड को घटाना, इसमें से अगर 48 घटाओ घटाओगे तो कितना बचेगा, 168, 168 बचेगा, इसमें से 48 घटाओगे कितना बचेगा, 120 बचेगा, तो क्या गलत दिख रहा है, 163 आपका क्या हो रहा है, गलत दिख रहा है। तो आप ऐसा ऐसे आप सिक्वेंस सर ऐसे कैसे कर लेते हैं, देखिए आप पहले सबसे पहले कुछ जोड़ेंगे, जोड़ने पर पता है आप थोड़ा पहले डिफरेंस निकालना पड़ता है, फिर प्लस करना पड़ता है, फिर गुणा करना पड़ता है, फिर स्क्वायर करके, ऐसे करके बार बार प्रैक्टिस करके ही आप ऐसे ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा, 36, गुणे का अर्थ क्या है, गुणे का अर्थ माइनस है, माइनस रख दो 12, प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड है 4, भाग का अर्थ क्या है, प्लस 6, प्लस का अर्थ क्या है, फिर भागा, माइनस का अर्थ क्या है, दूते 6 तीतरी का 9 हो जाएगा, 4 तीन 12 माइनस 36, 45 में 45 कितना हो जाएगा, 42, आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे, क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए क्या दिया हुआ, 842954 76। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप लोग देखिए अगर हम लोग बनाते हैं, अगर आप सब कुछ सबको जोड़ेंगे 8 4 12 14 कुछ बन नहीं रहा है, अब हम लोग इसको मान लीजिए कुछ घटा करते हैं, 8 में 4 4 का स्क्वायर 64, 9 में 5 4 4 नहीं बन रहा है, स्क्वायर भी नहीं बन रहा है, अब एक बार हम लोग इसका क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, सब 8 चौक 32 गुना 64 बन जा रहा है, गुणा करोगे 9 गुणे 5 गुणे 4 5 चौक 20 9 180, जो 7 6 42, अब गुणे 7 कर दोगे तो 294 आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं क्वेश्चनों का। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो सिक्स दिया गया है इसमें थोड़ा सा ऑप्शन का इश्यू है, लेकिन फिर भी मैं आपको उसको बता देता हूँ, देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले जाइए, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया, ठीक है, ये क्या क्या मिल गया, क्लॉक वाइज डायरेक्शन जाने पे ये मिल गया, अब जो हुआ इसको एक्सचेंज कर दिया गया, ठीक है, एक्सचेंज कर दिया गया, ठीक, इसको एक्सचेंज कर दिया गया क्रॉस एक्सचेंज गुड़ा करके, ठीक है, अब इसको क्या कर दीजिए, आप एंटी क्लॉक वाइज में जाइए, अब एंटी क्लॉक वाइज में जाएंगे तो आपको ये रिसीव हो जाएगा, अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस एक्सचेंज एक बार करेंगे, यहाँ पे जब क्रॉस एक्सचेंज करेंगे तो प्लस बन जाएगा, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा, यहाँ पे गुड़े बन जाएगा, यहाँ पे डिवाइड बन जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इस ऑप्शन में कोई कोई सा भी मिल नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये वाला सॉरी ई आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन शायद इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो ये ऑप्शन में फंसा इश्यू है, ठीक है, आप लोग इस पर एक बार कर सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे, देखिए आप एग्जाम में भी कभी कभी क्वेश्चन गलत आ जाते हैं, इसी कोई बड़ी बात नहीं, बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन गलत आ जाते हैं, ठीक है,
यह 16, 38, 26, 58 और 37 तो पूछा क्या मान होगा। इसमें देखिए जो दिया था फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से होता है, सेकंड का रिलेशन इससे होता है, फोर्थ से होता है, तो पूछना रहता है। देखिए मैक्सिमम करके इन दोनों में जो फॉलो होगा यही इसमें भी फॉलो होगा और यही इसमें भी फॉलो होगा, ऐसे क्वेश्चन में ये करना रहता है। अगर देखिए अगर हम आपका 16 का गुणा करें दो बार कितना जाएगा 32 और इसमें 6 जोड़ दें कितना हो जाएगा 38। इसी तरह 26 का गुणा दो बार करें कितना जाएगा 52 और उसमें 6 जोड़ देना तो 58। अब इसी तरह ना हो दोनों सेम फॉलो हो रहा, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, 37 जोड़े तो 74 प्लस 6 कर दोगे तो 80। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए ये आपका पेपर कटिंग का अनफोल्डेड पेपर का है। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे ओपन किया जाता है, आप थोड़ा सा इसको इमेजिनेशन के माध्यम से ही कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे एरो दिया गया वैसे ऐसे खुलेगा, यानी अपने मनमानी मत खुलिएगा। पहले ऐसे मान लीजिए कि पेपर था, फिर इसको मोड़ के ऐसे बना दिया गया। इस मान लीजिए पेपर था, ये पूरा पेपर है, अब ये इसको ऐसे मोड़ दिया गया तो अब ये ऐसे बन गया। अब फिर क्या यहाँ से अब बीच में से ऐसे मोड़ दिया जा रहा है तो अब ये ऐसे बन गया। ठीक है, अब ऐसे बन गया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर खोलोगे, जब ये जब थोड़ा सा ऊपर खोलोगे तो ये जो पॉइंट ठीक जैसे मान लो ना, ठीक ऐसे मान लो उंगली है, ठीक इसको क्या करो, ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन यहीं पर आ जाएगा। और जो ठीक क्या हो जाएगा, जब उल्टा करो अपने कापी से जूम करके देख लो तो देखोगे कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अगर बनता है, ठीक है, आपका ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा, और ये वाला आपका थोड़ा ये आपका ऐसे बनेगा, ठीक ऐसे बनेगा। आप ठीक इसको उल्टा कर दो, जो यहाँ बना हुआ ठीक यही बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको इमेजिनेशन कर सकते हैं कि इमेज करके आप थोड़ा इसको कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया एक बार और देख लो इसको, देखो थोड़ा सा आप ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो दिया गया है आप इसको थोड़ा ओपन करने की कोशिश करो। यहाँ से मान लो ऐसे इसको उठा के यहाँ शिफ्ट करना है, डायरेक्ट नहीं, पेपर है, पेपर ऐसे फोल्ड है ना, अब पेपर को थोड़ा तुम खोलो, पेपर है इसको ओपन करो, तो जो ओपन करोगे एक पेपर लेना, नहीं तो तुमको ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, एक पेपर लेना, ठीक है, एक पेपर लेना, मतलब पास एक पेज लेना, पेज को जैसे जैसे मोड़ा गया वैसे वैसे मोड़ लेना, पहले ऐसे मोड़ लेना और फिर इसको ऐसे मोड़ लेना, जब ऐसे बन जाए तब उसको जैसे जैसे ओपन करते हो वैसे वैसे ओपन करना, पहले उसको ऐसे ओपन करना, फिर ऐसे प्राप्त होगा आपको, फिर इसको ऐसे ओपन कर देना, फिर आपको ये प्राप्त हो जाएगा, चार फिगर रहेगा ये आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप कर लेना। ठीक है, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा कौन सा इसमें आपका इम्बेडेड है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें देखेंगे तो 3 स्ट्रेट लाइन इसमें दिया गया और ये आपको ए भी दिया गया, तो क्वेश्चन नंबर बी का, आप क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में कभी गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा घुमादार दे देता है, लेकिन कर देना। ठीक है, ये देखिए दिया 587 को देखे अच्छी तस्वीरें, 587 को देखे अच्छी तस्वीरें, 539 को अच्छा और सुंदर, और 967 को चित्र सुंदर है, तो उस भाषा में देखे शब्द का स्फुट क्या होगा। देखिए 587 जो है क्या दिया हुआ है, देखें अच्छी तस्वीर चित्र बोल सकते हैं इसको। ठीक है, 537 को अच्छा और सुंदर, 967 को चित्र सुंदर है। ठीक है, अब देखेंगे, अगर देखिए कॉमन खोजते हैं, सुंदर इसमें भी है, सुंदर इसमें भी है, 9 कमान हो गया, 9 कॉमन हो गया, देखें अच्छी तस्वीर से, अच्छा इसमें भी है, अच्छा इसमें भी है, कितना हो गया 5 हो गया। अब देखिए चित्र इसमें भी है, सुंदर इसमें भी है, सॉरी चित्र इसमें भी है, तस्वीर या चित्र की हुआ, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी कॉमन हो गया। अच्छा का कॉमन क्या है, 5 है, तस्वीरें का 7 है, तो देखे का कोड क्या हो जाएगा, देखे का कोड हो जाएगा 8, 8 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 10 क्वेश्चन रहा आज के क्लास का, अगर आपको 10 क्वेश्चन में कोई भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया आपका, ये आपका टोटल 10 क्वेश्चन था आज सेट 1 था रीजनिंग का,
इसके बाद हम लोग सेट टू करेंगे। हो सकता है कि एक ही दिन दो दो तीन सेट कर दें, लेकिन आपका जैसा रिस्पांस रहेगा इस क्लास को उसके हिसाब से आगे की सीरीज जारी रखी जाएगी। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आपके पीडीएफ परचेज करना हो तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क करके 9795111812 पर संपर्क करके परचेज कर सकते हैं। इसमें ये चारों सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं, उस सब्जेक्ट को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।